शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षकों के बीच वार्ता पर वार्ता की क्रियाकलाप जारी हैं। इसी के क्रम में एक और अंतिम वार्ता 28 तारीख को होने की संभावना दिख रही है, उसके लिए पत्र भी निर्गत किए जा चुके हैं। उस बैठक में किन किन बिंदुओं पर सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है, आज के इस वीडियो में उसे जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात है कि पारा शिक्षक कई गुटों में बंट चुके हैं, आंदोलन भी अलग अलग रूख अपनाकर करने के लिए तत्पर हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा उन्हें नुकसान भी सहना पड़ सकता है। आइए सबसे पहले अब देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पर सहमति बनने की उम्मीदें जताई जा रही है। वार्ता के क्रम में पारा शिक्षकों की इच्छा प्रबल थी कि वेतनमान मिले, लेकिन शिक्षा मंत्री एवं अधिकारियों ने उसे टाल मटोल कर दिया है। वेतनमान की संभावना अब बिल्कुल नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति में पारा शिक्षक के अधिकारी अब वेतनमान के समतुल्य मानदेय लेने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसमें भी समस्या नजर आया। ऐसी स्थिति में मानदेय की वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। मानदेय की वृद्धि के लिए पारा शिक्षकों की ओर से 10,000 रुपये तक की वृद्धि की बातें कही गई, जो लगभग समतुल्य मानदेय पर आधारित था, समतुल्य वेतनमान पर आधारित था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा बजट का हवाला दिया गया और लगभग 3,000 रुपये मानदेय वृद्धि की उम्मीदें जताई जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री 500, 1,500, 2,000 रुपये की वृद्धि पर अड़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से वार्ता हो रही है तो ऐसी स्थिति में लगभग 1,000 रुपये या 2,000 रुपये की वृद्धि और होने की संभावना दिख रही है। तो कुल मिलाकर ऐसा देखा जा रहा है कि 3,000 से 4,000 रुपये तक की वृद्धि अगले वार्ता में पारा शिक्षकों की होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में झारखंड के पारा शिक्षक इस वृद्धि को मान पाएंगे या नहीं, वो आगे बैठक में अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, जो लगातार झारखंड के सहायक अध्यापक हैं, जो जिनकी आयु सीमा लगभग अंतिम समय में आ पहुंची है और किसी भी प्रकार के प्रावधान न होने के कारण खाली हाथ वापस जाना पड़ता है, रिटायर होना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उन सभी शिक्षकों की इच्छा ऐसी प्रबल हो रही है कि 2 साल कम से कम और सेवा विस्तार किया जाए, इस पर सहमति बनने की उम्मीदें दिख रही है। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अल्प मानदेय में ही अगर हम झारखंड के शिक्षकों से सेवा लें तो ये कोई नुकसान की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में 62 वर्ष सेवा होने की उम्मीद है और आगामी बैठक में इस पर सहमति बनने की संभावना है। ईपीएफ जैसी कोई बातों पर सरकार अमल करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में 62 वर्ष की सेवा अगर शिक्षकों के लिए कर दी जाए तो कुछ हद तक राहत महसूस हो सकता है। तो दूसरी बात, सेवा विस्तार की उम्मीदें है और आगे देखा जाएगा। अगली बात जो है, ये तो हर हाल में टेट में ओवरऑल पास मार्क्स पर सहमति बनेगी, क्योंकि 2012, 2013 और 2016 की टेट की परीक्षा में ओवरऑल पास मार्क्स ही थे, परंतु इस बार की परीक्षा में सभी विषयों में पासिंग मार्क्स की बाध्यता से पारा शिक्षक से लेकर के अन्य टेट के अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के कई दौर के वार्ता में इस विषय पर सहमति बन चुकी है और आगामी बैठक में पूर्ण सहमति बनने के बाद इसके लिए पत्र निर्गत कर दिया जाएगा और उसके बाद टेट के मार्क्स में ओवरऑल पासिंग मार्क्स लाकर अभ्यर्थी पास कर पाएंगे। पारा शिक्षकों के आंदोलन से वार्ता के क्रम में अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिल पाएगा और सभी अभ्यर्थी इस ओवरऑल पास मार्क्स का लाभ ले पाएंगे। अगली जो बातें हैं वो है सेवा संपुष्टि का मामला। इसमें प्रत्येक वर्ष पारा शिक्षकों के सेवा संपुष्टि को लेकर अधिकारियों को, बीईओ और एरिया अफसर को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करवाना बहुत ही मुश्किल का काम साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में जनवरी से मानदेय में 4% की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन अब तक 4% की वृद्धि बैठक नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहा है।
पा रहा है, जिसके कारण सेवा संतुष्टि जैसे मामले पर सहमति बन सकती है कि जिन शिक्षकों का सेवा संतुष्टि एक बार कर ली जाए उनके लिए एक साधारण प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक वर्ष 4% की जो वृद्धि है उसे लागू कर दिया जाए। तो इस प्रकार से आगामी बैठक में बहुत सारी कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक का लाइव आपको इस वीडियो में इसी चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि पल पल का अपडेट